नमस्कार दोस्तों, मैकेंजी मलिक साहब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं सुमित मलिक एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ। हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, उसमें हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 11 ऑफ RAC। तो दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। किस टॉपिक के अंडर पढ़ रहे हैं? डिजायरेबल डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, उसमें भी हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। सेकंड पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे पहली बात करते हैं टॉक्सिसिटी। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो होगी टॉक्सिसिटी, मतलब जहरीला होना चाहिए, है ना। जहरीला होगा, जहरीला नहीं होना चाहिए। अगर जहरीला होगा तो जो बंदा यूज़ कर रहा होगा वो तुरंत ही टाइ टाइ फिश हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो जहरीला नहीं होना चाहिए सबसे पहले तो रेफ्रिजरेंट हमारा। बट अगर हम बात करें जो हमारा फेवरेट रेफ्रिजरेंट अभी तक था, जिसने भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ठीक है, जिसने नहीं पढ़ाया, ऊपर मैं लेक्चर का लिंक दे रहा हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपने देखा था कि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ में अमोनिया जो है, अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ सबसे बेस्ट थी। तो अमोनिया इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी हाई, यू कैन से वेरी हाई क्वालिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसमें क्या है, इट इज़ टॉक्सिक। ये अमोनिया इज टॉक्सिक, और टॉक्सिक होने से क्या है, इट इज़ नॉट डिजायर्ड। तो इसको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जहरीला है, अगर लीक हो गया तो बंदा जो यूज़ कर रहा है वो बंदा वहाँ पे ही एक्सपायर हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक इन नेचर, तो टॉक्सिसिटी तो हमें नहीं चाहिए, जहरीला थोड़ी चाहिए हमें, ठीक है। तो पहली चीज़ लिख लेते हैं इसके बारे में, रेफ्रिजरेंट शुड बी नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक। नोट की फॉर्म में लिख लेना, नोट की फॉर्म में, अमोनिया इज टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है। नोट की फॉर्म में लिख लेना, अमोनिया इज टॉक्सिक इन नेचर। यहाँ पे हमारा नुकसान है, अमोनिया को हम फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड बात करते हैं फ्लेमेबल, सेकंड जो प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी वो बात कर रहे हैं फ्लेमेबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर एक बार फ्लेमेबल लिख देते हैं, कुछ लोग इनफ्लेमेबल लिखते हैं, कुछ लोग नॉन फ्लेमेबल लिख देते हैं, कुछ लोग नॉन इनफ्लेमेबल लिखते हैं। तो फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल सेम होता है, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल सेम होता है। फ्लेमेबल का अपोजिट जो होगा वो नॉन इनफ्लेमेबल होगा, नॉन फ्लेमेबल, सॉरी, फ्लेमेबल का जो यू कैन से अपोजिट होगा वो होगा नॉन फ्लेमेबल, और इनफ्लेमेबल का अपोजिट होगा नॉन इनफ्लेमेबल, ठीक है। फ्लेमेबिलिटी जो है, फ्लेमेबिलिटी क्या है, रेफ्रिजरेंट शुड बी नॉन इन्फ्लेमेबल, ऑब्वियसली ज्वलनशील थोड़ी चाहिए हमें, ऐसा थोड़ी चाहिए कि भाई हाँ रेफ्रिजरेंट जल्दी से आग पकड़ ले, पता चले कहीं से भी शॉर्ट सर्किट हुआ और वहाँ से गैस लीक कर रही है, ब्लास्ट हो जाएगा सीधा, है ना। तो इट शुड बी या
ये भी डिजायरेबल नहीं है ना। रेफ्रिजरेंट शुड बी नॉन फ्लेमेबल, नॉन रेफ्रिजरेंट शुड बी नॉन फ्लेमेबल, ठीक है, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए जिसको जल्दी से जलाया ना जा सके। और यहाँ पे भी नोट की फॉर्म में लिखना अमोनिया, जो हमारा फेवरेट रेफ्रिजरेंट था, वो यहाँ पे भी इस चीज़ की वजह से भी मात खा जाता है। अमोनिया इट इज, अमोनिया इज हाईली फ्लेमेबल, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है अमोनिया, ठीक है। तो ये भी हमारा अनडिजायर्ड है यहाँ पे भी, इसीलिए अमोनिया फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि मतलब हर एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहली कमज़ोरी क्या है इसकी, ये टॉक्सिक है, और सेकंड चीज़ जो है इट इज़ फ्लेमेबल, ठीक है। तो फ्लेमेबल भी है और टॉक्सिक भी है, इस वजह से इसको फ्रीक्वेंटली हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं, थर्ड हमारी जो प्रॉपर्टी होगी कि ऑयल के साथ कितना मिक्स करता है, ठीक है। थर्ड है मिसिबिलिटी, सेकेंड थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मिसिबिलिटी। मिसिबिलिटी क्या है कि कितना उसमें ऑयल के साथ मिक्स होता है। ऑयल कहाँ पे आ गया अब इसमें, जब हमारी साइकिल में रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा होगा तो हमें क्या पता है किसी साइकिल के कौन से चार पार्ट हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर। जब कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर में क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, वहाँ पे क्या होगा, पिस्टन सिलेंडर के साथ साथ में ऑयल भी होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल। अगर वो लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ मिक्स हो गया तो हमारा फ़ायदा है, नुकसान है, क्या है, ये देखते हैं एक बार। पहले कुछ चीज़ें होती हैं, पहला है रेफ्रिजरेंट फुल्ली मिसिबल, फुल्ली मिसिबल, ऑयल। दूसरा है रेफ्रिजरेंट फुल्ली इमिसिबल, तीसरा है रेफ्रिजरेंट पार्शियली मिसिबल, देखो तीन केस हो सकते हैं, या तो रेफ्रिजरेंट फुल्ली मिक्स हो रहा है, या रेफ्रिजरेंट फुल्ली मिक्स मतलब यू कैन से कभी भी मिक्स नहीं हो रहा है, फुल्ली इमिसिबल है, या तीसरा क्या हो सकता है, पार्शियली मिक्स हो रहा है, मतलब कहीं तो मिक्स हो रहा है किसी टेम्परेचर पे जाके, या फिर किसी थोड़े टेम्परेचर के बाद उनकी मिसिबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, या दोनों के दोनों इमिसिबल बन जा रहे हैं। तो हमारे को क्या डिज़ायर्ड है, सबसे पहले इनके एग्जांपल लिख लेते हैं। एलेक्सा स्पेलिंग ऑफ इमिसिबिलिटी। इमिसिबल इज स्पेल्ड आई ए एम ए एम आई एस सी आई बी एल ई। काफ़ी देर से डाउट हो रहा था कि मिसिबल की स्पेलिंग क्या है, मिसिबल की स्पेलिंग है एम आई एस सी आई बी एल ई, ठीक है। फुली इमिसिबल ये क्या है, फुली मिसिबल विद ऑयल, फुली इमिसिबल विद ऑयल, या पार्शियली मिसिबल विद ऑयल, ठीक है। इनके एग्जांपल लिख लेते हैं, R11, R12 अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं फुल्ली इमिसिबल वाले हैं, और पार्शियल इमिसिबल वाला है R22, ठीक है। अगर हम बात करें, या तो हमारा फुल पूरी तरह मिक्स हो रहा हो हर टेम्परेचर प्रेशर पे, पूरी तरह मिक्स हो रहा हो, या हमारा हर टेम्परेचर प्रेशर पे मिक्स ही ना हो रहा हो, ये दोनों ही कंडीशन डिज़ायरेबल हैं, ये दोनों ही कंडीशन डिज़ायरेबल हैं। फुल्ली मिक्स हो जाए तो भी ठीक है, फुल्ली मिक्स ना हो तो भी ठीक है, इमिसिबल हो तो भी ठीक है। अगर पार्शियली मिसिबल है तो ये जो कंडीशन है सबसे ख़तरनाक है, ये नॉट डिज़ायर्ड,
पार्शियली मिसिबिलिटी इज नॉट डिजायर्ड. क्यों पार्शियली मिसिबिलिटी इज नॉट डिजायर्ड, क्यों नहीं डिजायर्ड है? क्योंकि कुछ टेम्परेचर प्रेशर पे तो कुछ रेफ्रिजरेंट मिक्स हो जाते हैं. अब हमारी पूरी रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में तो कहीं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं टेम्परेचर घट रहा है. तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, उस कंडीशन में कभी तो मिक्स हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या हो सकता है? चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है. पता चले हमने जो यूगन से जब एक्सपेंड हुआ एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू, तब यहाँ पे जब क्या बोलते हैं इवेपोरेटर में आएगा, इवेपोरेटर में क्या रहेगा वो हमारा लिक्विड स्टेट में, यानी लिक्विड प्लस वेपर की स्टेट में रहेगा. और वहाँ से जब हमारा कंप्रेसर में घुसेगा, कंप्रेसर में जाएगा, तब उस टाइम पे क्या होगा वो गैस की स्टेट में कन्वर्ट होगा. तो कहीं पे तो मिक्स हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा, पता चले कुछ पार्ट मिक्स होके पूरी रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में घूम रहा है कोयल के साथ, और वो कहीं ना कहीं चोकिंग की प्रॉब्लम करवा देगा. ठीक है, थ्रॉटलिंग डिवाइस के अंदर भी चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी वेपोरेटर कोयल्स के अंदर भी चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, और कंडेंसर कोयल में भी चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है. तो हमारा पार्शियली मिसिबिलिटी इज़ नॉट डिजायर्ड, पार्शियली मिसिबिलिटी इज़ नॉट डिजायर्ड. ठीक है जी, तो इसको आप लिख सकते हो कि फुल्ली मिसिबल या फुल्ली इमिसिबल, दोनों ही प्रॉपर्टीज़ डिजायरेबल हैं. ठीक है, दोनों ही ठीक है, दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज डिजायरेबल हैं, बट पार्शियली मिसिबिलिटी इज नॉट डिजायर्ड. एक नोट की फॉर्म में लिख देते हैं R22 के बारे में. नोट R22 बिकॉज ऑफ पार्शियल मिसिबिलिटी फाइंड्स वेरी लेस यूज एंड सिंथेटिक ऑयल इज यूज इन दिस केस इंस्टेड ऑफ मिनरल ऑयल. ठीक है जी, नोट की फॉर्म में लिख लेना इसको कि R22 जो है बिकॉज ऑफ पार्शियल मिसिबिलिटी विद ऑयल इट फाइंड वेरी लेस यूज एंड सिंथेटिक ऑयल इज यूज इन दिस केस इंस्टेड ऑफ मिनरल ऑयल. ठीक है जी, एक और चीज़ है, हम एक काम और भी कर सकते हैं, ऑयल सेपरेटर लगा सकते हैं. क्या लगा सकते हैं? ऑयल सेपरेटर लगा सकते हैं. ऑयल सेपरेटर का क्या काम होता है? ऑयल सेपरेटर क्या करता है, कंप्रेसर से जो हमारा मान लो कुछ अमाउंट ऑयल की मिक्स हो गई किसके अंदर, रेफ्रिजरेंट के अंदर, अगर कुछ अमाउंट ऑयल की मिक्स हो गई रेफ्रिजरेंट के अंदर, तो हमारा ऑयल सेपरेटर क्या करेगा, ऑयल को अलग कर देगा और यूगन से रेफ्रिजरेंट को अलग कर देगा. तो वो लगाने से हमारा फ़ायदा क्या हो जाएगा, ऑयल सेपरेटर लगाने से फ़ायदा क्या हो जाएगा, हमारा रेफ्रिजरेंट विल फ्लो इन कंप्लीट साइकिल, और हमारा जो ऑयल है या लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो केवल कंप्रेसर के अंदर ही रह जाएगा. ठीक है जी, तो ये नोट की फॉर्म में एक और पॉइंट लिखवा देता हूँ. नोट की फॉर्म में एक पॉइंट लिख लेते हैं, नोट फर्स्ट पॉइंट है ऑयल सेपरेटर कहाँ यूज करते हैं इसको, कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में. ऑयल सेपरेटर इज यूज्ड इन बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर. अगर VCRS के केस में बात करें तो पॉइंट नंबर कितना हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा. 1 नंबर कंप्रेसर की एंट्री है, 2 नंबर कंडेंसर की एंट्री है. ठीक है, ऑयल सेपरेटर यूज्ड इन बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर. एक और पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, एक और चीज़ होती है, मैंने आपको बताया नहीं था, सेंसिंग बल्ब. सेंसिंग बल्ब का मेन काम क्या होता है, कंप्लीट रेफ्रिजरेंट हमारा वेपर बन चुका कि नहीं बन चुका ये उसकी कंफर्मेशन देता है. ठीक है, तो कहाँ लगेगा, इवेपोरेटर के अंदर हमारा क्या होता है वेपर में कन्वर्ट होता है, तो इवेपोरेटर के एग्जिट पे लगेगा. सेंसिंग बल्ब इज यूज्ड एट द एंड ऑफ इवेपोरेटर
या फिर आप इसको लिख सकते हो, सेंसिंग बल्ब इज यूज्ड इन बिटवीन इवेपोरेटर एंड कंप्रेसर, दैट इज पॉइंट नंबर वन। हमने एक और चीज़ देखी थी, फ्लैश चैम्बर। फ्लैश चैम्बर कहाँ यूज़ करते थे? फ्लैश चैम्बर का मेन काम क्या था? फ्लैश चैम्बर का मेन काम क्या था? हमारे लिक्विड को और वेपर को अलग अलग रखना। तो वो कहाँ यूज़ कर रहे थे? थ्रोटलिंग डिवाइस के एग्जिट पे और यू कैन से इवेपोरेटर की एंट्री पे। ठीक है, थ्रोटलिंग डिवाइस के एग्जिट पे, इवेपोरेटर की एंट्री पे। थर्ड पॉइंट एक और लिख लेते हैं, ऑयल सेपरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन रेफ्रिजरेंट इज फुल्ली इमिसिबल एट कंडेंसर प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर कंडेंसर प्रेशर और टेम्परेचर पे अगर हमारा लुब्रिकेंट और ऑयल जो है, लुब्रिकेंट और रेफ्रिजरेंट जो है वो अगर मिक्स नहीं हो रहे हैं तो हमारे को ऑयल सेपरेटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट भी हमारा इम्पोर्टेंट है कि ऑयल सेपरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन रेफ्रिजरेंट इज फुल्ली इमिसिबल एट कंडेंसर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये हमारे हो गए तीन पॉइंट हमारे किसके बारे में, यहाँ पे मिसिबिलिटी पॉइंट के अंडर में। लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारी तीन प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने देखा टॉक्सिसिटी नॉट डिज़ायर्ड, फिर फ्लेमेबिलिटी इट इज़ ऑल्सो नॉट डिज़ायर्ड, थर्ड हमने पढ़ी मिसिबिलिटी विद ऑयल, वो भी हमने पढ़ लिया। लास्ट है एक्शन विद मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको याद रखने के लिए अपनी ट्रिक डेवलप करनी पड़ेगी। मैंने अपने हिसाब से याद कर रखा है, आप लोग अपने हिसाब से याद कीजिए। ठीक है, अमोनिया कॉपर की दोस्त नहीं है। अमोनिया और कॉपर में लड़ाई है, अमोनिया कॉपर की दोस्त नहीं है। ठीक है, अमोनिया कॉपर की दोस्त नहीं है। ये किसके साथ, अमोनिया के साथ क्या यूज़ होगा? अमोनिया के साथ या तो कास्ट आयरन यूज़ होगा या रोट आयरन यूज़ होगा या स्टील यूज़ होगा। अमोनिया के केस में हमारा क्या होगा? या तो कास्ट आयरन यूज़ होगा या रोट आयरन होगा या स्टील यूज़ होगा। अमोनिया कॉपर की दुश्मन है। जब अमोनिया और कॉपर साथ में रहेंगे तो इनमें रिएक्शन हो जाएगी, तो हमारा रिएक्शन होने से क्या होगा? हमारा रेफ्रिजरेंट लीक हो जाएगा। रेफ्रिजरेंट लीक होगा तो अमोनिया कैसा है? टॉक्सिक है। तो ये हमारा यू कैन से टॉक्सिक है, तो ये लीक कर गया तो क्या हो जाएगा? बंदे मर जाएंगे। दूसरा है जो फ्रियोन रेफ्रिजरेंट होते हैं, फ्रियोन रेफ्रिजरेंट्स के केस में क्या होता है? फ्रियोन कौन से होते हैं? जो मतलब R12, R13, R15 इस टाइप से, जो R22 जिनमें हमारी यू कैन से हेलोजन गैस होती हैं, फ्रियोन या हेलोकार्बन जो रेफ्रिजरेंट होते हैं उनके केस में हमारा उनके केस में क्या होगा? एल्यूमिनियम की वो दोस्त नहीं है, एल्यूमिनियम से उनकी दुश्मनी है। कॉपर उस केस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है उनके केस में यूज़ नहीं करना, उनके केस में कॉपर चल सकता है। कॉपर ही यूज़ करते हैं नॉर्मली, जनरली यूज़ ही कॉपर ही करते हैं। जब फ्रियोन रेफ्रिजरेंट की बात करें तो उनके केस में एल्यूमिनियम के साथ वो रिएक्ट कर जाते हैं और कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करते। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर
केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रो, अब हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टी अभी पढ़ ली, थर्ड बची है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो और देख लेते हैं फटाफट। थर्ड हमारी डिजायरेबल प्रॉपर्टी में आ गया क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारा क्या रहेगा, सबसे पहली चीज तो हम अगर हम बात करें कोस्ट, ठीक है, कोस्ट रेफ्रिजरेंट की हाई होनी चाहिए ना नहीं, कोस्ट जो होती है कोस्ट तो लो चाहिए ना अपने को, अरे हमारा सिस्टम इफेक्टिव कब होगा, जब कोस्ट कम होगी, तो कोस्ट शुड बी लो, लेकिन क्या कितनी भी लो कर दे भाई, हाँ क्वालिटी गिरा दो कोस्ट लो हो जाएगी, है ना, क्वालिटी गिरा दो रेफ्रिजरेंट लीक होता रहे, बंदे मरते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है कि कोस्ट शुड बी लो कीपिंग इन माइंड द सेफ्टी, ठीक है, कोस्ट इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल बट सेफ्टी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, सेफ्टी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, सेफ्टी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, कॉस्ट जो हमारी कम होनी चाहिए लेकिन सेफ्टी जो है हमारी कॉम्प्रोमाइज ना हो। सेकंड जो है अगर बात करें, यहीं पे लिख लेते हैं काफ़ी स्पेस है, सेकंड है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हमें पता है क्या है, गाढ़ापन, ठीक है, विस्कोसिटी हाई होनी चाहिए लो होनी चाहिए, विस्कोसिटी कुछ बोलेंगे हाई होनी चाहिए सर, हाई नहीं होनी चाहिए, क्यों, विस्कोसिटी शुड बी लो, विस्कोसिटी लो होनी चाहिए, जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उतना ही कम फ्लो करेगा, ठीक है ना, जितना गाढ़ा होगा उतना ही कम फ्लो करेगा, तो अगर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो यू कैन से वो गाढ़ा हो जाएगा, जैसे शहद है फॉर एग्जांपल, शहद की बात करें और वहाँ पानी की बात करें, तो पानी तो बहुत ईजिली फ्लो कर जाता है, और शहद जो है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसकी उसका फ्लो कम होता है, तो उस वजह से क्या होगा, हमारा रेफ्रिजरेंट हमारा कंप्लीट साइकिल में अगर फ्लो करवाना है तो विस्कोसिटी शुड बी लो, है, इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल फॉर द इजी फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है, फॉर द इजी फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट विस्कोसिटी शुड बी लो। थर्ड चीज लीकेज डिटेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी में थर्ड है लीक डिटेक्शन, लीक डिटेक्शन आसान होनी चाहिए, है ना, अबे लीकेज होनी ही नहीं चाहिए, लीकेज होनी ही नहीं चाहिए, क्यों, अगर लीकेज होगी तो उससे नुकसान क्या होगा, अगर अमोनिया जैसा रेफ्रिजरेंट है कोई जो टॉक्सिक है नेचर में, उसको जब तक पता चलेगा तब तक तो बंदा ही मर जाएगा, है ना, पहली चीज़ तो लीकेज होनी नहीं चाहिए, हमारा जो सिस्टम है हम जो डेवलप करते हैं तो कोशिश करते हैं इतनी अच्छी क्वालिटी रखें कि लीकेज हो ही ना, और अगर लीकेज हो भी जाती है जिन जो नॉन टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट है उनके केस में अगर लीकेज हो भी जाती है तो इट शुड बी वेरी इजीली डिटेक्टेबल, ठीक है, लीकेज जो है डिटेक्शन, पहली चीज़ तो लीकेज डिटेक्शन इजी होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ फास्ट होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा भी ना हो कि लीकेज हो गई पूरी है वहाँ पे फैल गई है, चाहे वो टॉक्सिक है चाहे ना भी है, तो दोनों केस में लीकेज है अगर वो पूरा फैल गया तो उसके बाद हमें दोबारा इसकी रेफ्रिजरेंट की फिलिंग करनी पड़ेगी, तो वो भी हमारे लिए यू कैन से नॉन इकोनॉमिकल हो जाएगा हमारे लिए, तो लीकेज इजी भी होनी चाहिए, ठीक है, इजी भी होनी चाहिए लीकेज डिटेक्शन और फास्ट भी होनी चाहिए, ठीक है, इसके केस में जो कुछ मेथड यूज़ करते हैं हम लीकेज डिटेक्शन के लिए, तो
तो अगर बात करें हम उन मेथड के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया की लीकेज के लिए। अमोनिया की लीकेज होनी चाहिए ना, अमोनिया टॉक्सिक है याद रखो, अमोनिया की लीकेज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो अगर गलती से हो जाती है लीकेज तो देखते हैं, पहले अमोनिया के केस में बात करते हैं। सबसे पहले अमोनिया, अमोनिया के केस में क्या है, अमोनिया के केस में हम बात करते हैं, इस केस में होता है सल्फर कैंडल टेस्ट और सल्फर स्टिक मेथड, दोनों ही नाम से मिल जाता है, सल्फर कैंडल टेस्ट भी बोलते हैं, सल्फर स्टिक मेथड भी बोल देते हैं, ठीक है। सेकंड होता है हमारा अमोनिया के बाद अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के केस में अमोनिया स्वैब टेस्ट, ठीक है। याद रखने का तरीका बहुत सिंपल, दोनों को अमोनिया के केस में सल्फर कैंडल टेस्ट, ठीक है, अमोनिया के केस में सल्फर हेल्प करेगी डिटेक्ट करने में, और सल्फर के केस में अमोनिया, और सल्फर डाइऑक्साइड के केस में अमोनिया स्वैब टेस्ट, तो दोनों एक दूसरे को डिटेक्ट करवाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अमोनिया के केस में क्या हो जाएगा, सल्फर कैंडल टेस्ट करेंगे, और सल्फर के केस में क्या होएगा, अमोनिया स्वैब टेस्ट करेंगे। थर्ड जो है हमारा सी पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, हेलोजन्स, ठीक है। हेलोजन क्या हैं, यानी कि R11 वाले, R12 वाले, ये जो रेफ्रिजरेंट हैं इनकी डिटेक्शन कैसे करते हैं, दो मेथड है हमारे पास। सबसे पहला होता है, पहले मेथड को बोलते हैं, पहले मेथड को क्या बोलते हैं, हैलाइड टॉर्च मेथड, हैलाइड टॉर्च मेथड। पहले मेथड को क्या बोलते हैं, हैलाइड टॉर्च मेथड। हैलोजन के केस में हैलोजन जो रेफ्रिजरेंट है हमारे, फ्रियोन जो रेफ्रिजरेंट हैं, फ्रियोन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, हैलोजन ना लिख के इनको फ्रियोन लिख देते हैं, फ्रियोन जो रेफ्रिजरेंट हैं R11, R12, R22 एक्सेट्रा इन टाइप के, इसमें क्या होता है, पहला जो है हैलाइड टॉर्च मेथड। हैलाइड टॉर्च मेथड में क्या है, हैलोजन की टॉर्च मारते हैं, उसके ऊपर टॉर्च मारेंगे, जहाँ पे भी क्रैक डेवलप हो रहा होगा वहाँ पे टॉर्च का कलर ब्लू से, यू कैन से ब्लूइश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लूइश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू से ब्लूइश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे हमारा क्या है, लीकेज है, ठीक है। सेकंड जो होगा हमारा, सेकंड होता है हैलाइड टॉर्च मेथड के अलावा, सेकंड क्या होता है हमारा, सोप बबल टेस्ट। आप अगर इनके नाम से भी देखोगे ना तो बहुत आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि बहुत जल्दी जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा। सोप बबल टेस्ट में क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सोप वाटर लेंगे, जिस पाइप पे हमें लीकेज का डाउट है उस पे सोप वाटर सॉल्यूशन लगा देंगे, जहाँ पे भी लीकेज होगी वहाँ पे बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे, तो सोप बबल टेस्ट हमारा ये है, वहाँ पे पता चल जाएगा वहाँ पे लीकेज होती है, ठीक है। न्यूमेटिक पाइप्स में भी लीकेज के लिए सोप बबल टेस्ट का ही यूज़ करते हैं। हैलाइड टॉर्च मेथड के केस में अगर बात करें, उसमें क्या करेंगे, हैलोजन की डायरेक्ट टॉर्च मारेंगे, ब्लू कलर की टॉर्च होती है, जहाँ पे भी क्रैक होगा वहाँ पे ब्लूइश ग्रीन दिखेगी, तो वहाँ पे हमारा डायरेक्टली पता चल जाएगा। इसके केस में सल्फर कैंडल टेस्ट वाले में भी हमारा जो होते हैं वाइट कलर की फ्यूम्स बननी शुरू हो जाएंगी, जहाँ पे हमारी लीकेज होगी। और इसमें अमोनिया स्वैब टेस्ट करते हैं, किस केस में, सल्फर डाइऑक्साइड के केस में। दोबारा देख लेते हैं लीकेज डिटेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया की, अमोनिया के केस में सल्फर कैंडल टेस्ट, सल्फर के केस में यानी सल्फर डाइऑक्साइड के केस में अमोनिया स्वैब टेस्ट,
फ्रियोन के केस में दो मेथड हैं, हैलाइड टॉर्च मेथड या सोप बबल टेस्ट। ठीक है, ये हमने डिटेक्ट कर, ये हमने यू कैन से डिस्कस कर लिया। सारी हमारी यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ख़त्म होती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हमने कर लिया। डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन पार्ट क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रेफ्रिजरेंट, या कौन सा रेफ्रिजरेंट कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, कौन कौन से रेफ्रिजरेंट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, R11, 12, 22, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्राइन। ठीक है, इनको ना इनकी एप्लीकेशन है, ये याद रखने की ज़रूरत है। ये तो आप चाहे गेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो, ये तो आप याद रखना ही रखना। अमोनिया जो है इसको एप्लीकेशन इसकी कहाँ पे होती है, लार्ज सेंट्रल एसी में यूज़ करते हैं। लार्ज सेंट्रल एसी अमोनिया का यूज़ कहाँ करते हैं, लार्ज सेंट्रल एसी। जो हमारा R12 है इसका यूज़ कहाँ करते हैं, R12 हमारा जो है इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, मेनली जो अपने हर्मेटिकली सील्ड यूनिट होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा रेफ्रिजरेटर है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर या वाटर कूलर में यूज़ करते हैं, वाटर कूलर, या क्या हो गया, हमारी हर्मेटिकली सील्ड यूनिट्स। ठीक है, वहाँ पे मेनली यूज़ करते हैं। R22 जो मेनली यूज़ किया जाता है वो है विंडो एसी में, कहाँ पे, विंडो एसी में। R22 हमारे कहाँ यूज़ किया जाता है, विंडो एसी में। अमोनिया को हम ऐसी जगह तो यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे हमारा खाना वाना रखा हो, क्योंकि ये टॉक्सिक है नेचर में। ठीक है, खाने वाने वाली जगह तो नहीं रख सकते, बट कोल्ड स्टोरेज प्लांट में इसको यूज़ किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज प्लांट, कोल्ड स्टोरेज प्लांट में इसको यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ यूज़ करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फूड फ्रीजिंग में। ब्राइन को कहाँ यूज़ करते हैं, मिल्क चिलिंग प्लांट में। ब्राइन क्या है, पानी और सॉल्ट का मिक्स, मिल्क चिलिंग प्लांट्स। ठीक है, एयर को कहाँ यूज़ करेंगे, एयर को एक तो एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और एक गैस लिक्विफिकेशन में, गैस लिक्विफिकेशन। ये हमारी सारी की सारी एप्लीकेशन है, आप इनको नोट कर सकते हो, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कौन सा रेफ्रिजरेंट कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। जो हमारे कुछ रेफ्रिजरेंट ऐसे हैं जिनमें क्लोरीन होने की वजह से उनको हम यूज़ करना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था, क्लोरीन कहाँ पे अटैक करता है, ओजोन पे। ओजोन क्या हाँ होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। क्लोरीन होने की वजह से उसका नुकसान क्या है, वो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन पे ओजोन को अफेक्ट करती है, और ओजोन को अफेक्ट करने से हमारा क्या होता है, कल को अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो डायरेक्ट आएंगी, और डायरेक्ट आने से स्किन कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल R11 है,
इनको हम HF जो यू कैन से हाइड्रोफ्लोरो रेफ्रिजरेंट होते हैं या फिर जो यू कैन से HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट जो होते हैं या फिर हाइड्रो कार्बन जो रेफ्रिजरेंट हैं उनके उन रेफ्रिजरेंट से इनको रिप्लेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें R11 जो है R11 आजकल रिप्लेस हो रहा है किससे, R11 को मेनली R123 से रिप्रेजेंट रिप्लेस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सेम, मतलब इतनी अच्छी तो नहीं देता प्रॉपर्टीज़, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दे देता है R11 के जैसी। ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हमें, बट इससे हमारी ओजोन को उतना ख़तरा नहीं है जितना R11 से था। ठीक है, उसके बाद R12 की केस में बात करें, R12 जो है आजकल आप लोग देखोगे रेफ्रिजरेटर के साइड में देखना R134A लिखा मिलता है। ठीक है, R152A, R290, R600A, ये जो रेफ्रिजरेंट हैं ये मेनली कहाँ यूज़ करते हैं, R12 को रिप्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं, R12 को रिप्लेस करने के यूज़ करते हैं। R22 का वैसे ही यूज़ कम होता है क्योंकि R22 क्या है, पार्शियली मिसिबल है, तो R22 का वैसे ही यूज़ कम है। एक R502 है, 502 मैंने पहले क्या है बताया था, नाम से कैसे क्लियर हो रहा है, ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट है, एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट है मतलब मिक्सचर ऑफ टू रेफ्रिजरेंट्स, मैंने बताया भी था, कंपोजिशन लिखवाई भी थी। ठीक है, वो पीछे जाके देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे R502 है, आजकल R502 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, R143A से या R125A से। ठीक है जी, ये हैं सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इनका, सब्स्टिट्यूटेड Nowadays these are substituted by these refrigerants. ठीक है, this was all about our refrigeration chapter, refrigerant chapter. ये भी chapter हमारा यहाँ पे complete हो गया है। अब इसके देखते हैं gate के questions. तो जी अब बात करते हैं gate के questions के बारे में। इस chapter से अब तक gate के exam में 3 question आए हैं। ठीक है, पहला question आया था gate 1993 में, 1993 में क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1993 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन क्या था कि R22 इज़ नॉट यूज्ड बिलो दैट ऑफ -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे R22 का यूज़ रिकमेंडेड नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि R22, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि R22 जो है ये हमारा पार्शियली मिसिबल है ऑयल के साथ। ठीक है, पार्शियली मिसिबल है ऑयल के साथ, तो क्या होता है कि ये पूरी तरह मिक्स होगा नहीं, कहीं पे चोकिंग की प्रॉब्लम करवा देगा। तो इसलिए हमने क्या बोला था कि इट इज़ नॉट यूज्ड फ्रीक्वेंटली, ये हम देख चुके हैं लेक्चर में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी देखना, ऑप्शन नंबर बी है पुअर मिसिबिलिटी विद ऑयल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखते ही आंसर टिक कर दोगे। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल था, तीनों क्वेश्चन वैसे यहीं आ जाएंगे। ठीक है, मिटाने की जरूरत नहीं है बार बार। सेकंड क्वेश्चन अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमारा आया है गेट 2000 में आया है, 1 मार्क का क्वेश्चन, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्लोबल वार्मिंग गैस। ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ऑप्शन ए दे रखा है आपको ओजोन, बी दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपको नाइट्रोजन, ऑप्शन डी दे रखा है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको पहले ही पता है कि ओजोन हमें किससे बचाती है, ओजोन तो ऐसी गैस है जो हमें एक तो
ग्लोबल वार्मिंग होने से भी बचाती है, दूसरा ये प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से हमें, ठीक है। तो ओजोन तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। सेकंड जो है नाइट्रोजन, अगर हम बात करें नाइट्रोजन जो है हमारे अर्थ में टोटल एयर का 78% तो नाइट्रोजन ही है, तो अगर यही ग्लोबल वार्मिंग करती तो अब तक तो हम मर चुके होते हैं ना जी। तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन हमारा है, एक बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है किस चीज़ के लिए, ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, यस दिस इज़ द यू कैन से ग्लोबल वार्मिंग गैस। कार्बन डाइऑक्साइड की हम अगर बात करते हैं तब हम ये भी बोलते हैं कि पहले अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड की यू कैन से परसेंटेज कितनी थी, 0.03% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब धीरे धीरे इसकी परसेंटेज बढ़ रही है, और परसेंटेज बढ़ रही है, बढ़ के कितनी हो गई है, 0.04% हो गई है, ठीक है। और ये हमारा इसका इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तीसरा भी ये आया है गेट 2014 में, रिसेंटली आया है, सेट वन में, वन मार्क का क्वेश्चन है, गेट 2014 में आया है ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए CFC रेफ्रिजरेंट। ऑप्शन ए क्या दे रखा आपको, ऑप्शन ए आपको दे रखा है R744, ऑप्शन बी आपको दे रखा है R290, ऑप्शन सी आपको दे रखा है R502, ऑप्शन डी आपको दे रखा है R718, ठीक है जी। एक एक करके बात करते हैं सारे ऑप्शंस के बारे में। तो आपको ये पता होगा कि जिसने भी नॉमनक्लेचर वाला पिछला लेक्चर जिसने देखा है RAC का, वो ये सारे देख के बहुत आराम से हंस के इसका आंसर लगा रहा होगा। मैं अभी डायरेक्ट इसका आंसर टिक कर सकता हूँ, बट आपको थोड़ा बताते हैं ऑप्शंस के बारे में। जिसने नॉमनक्लेचर वाला देखा है, डेजिग्नेशन हम कैसे देते हैं R744, R502, इनका मतलब क्या होता है, वो हमने वो लोग इसको क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर लेंगे। जिसने नहीं देखा वो पिछली लेक्चर जाके देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने बताया था कि जो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट R700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे 700 से स्टार्ट दो वाले दो हैं, तो ये क्या हो गया, 44 मॉलिक्यूलर वेट है इसका। 44 मॉलिक्यूलर वेट किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32 और 12 44 44, तो ये हमारा 744 आ गया। क्या ये मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है अपना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CFC है, नहीं है। सेकंड अगर इसकी बात करें, ये हमारा क्या है, H2O वाटर, ये हमारा वाटर का H का कितना हो गया 2, और हमारा ऑक्सीजन का हो गया 16, 16 2 18, तो ये भी हमारा क्या है, H2O है। ये H2O भी क्या CFC है, नहीं है। अगर हम इस ऑप्शन की बात करें 290, R290 जो है, अगर इसमें थोड़ा सा किसी को डाउट हो सकता है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कैसे है, हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं। बाकी आपको मैंने बताया था कि R502 जो है, R502 किन से बना है, ये 500 से कौन से शुरू होते हैं, जो एजियोट्रोपिक होते हैं। कौन से होते हैं, जो एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट होते हैं। एजियोट्रोपिक कौन से होते हैं, मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स बिहेविंग एज ए प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट बिहेविंग एज ए प्योर सब्सटेंस। R502 की अगर हम बात करें, इसमें ये दो चीज़ें बनता है, R22 से प्लस R115 से, ठीक है। ये मैं पहले लिखवा चुका हूँ, R22 और R115 से। R22 कितना होता है, 48% होता है इसमें, और R115 कितना होता है, 52% होता है, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। अगर हम बात करें लास्ट R
290 की। वैसे तो हमारा आंसर तो यहाँ पे आ चुका है, आंसर हमारा क्या आ चुका है, R22 हमें पता है क्या है, CFC रेफ्रिजरेंट है। R502 जो है इसका, ये हमारा ऑप्शन आ गया है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो रेफ्रिजरेंट इन्होंने पूछा था, ये हमारा आंसर आ चुका है। बट अगर थोड़ा R290 के बारे में भी देख लेते हैं, R290 क्या बनता है, हमें क्या पता है हमारा रेफ्रिजरेंट का फॉर्मूला क्या होता है, M-1 N+1 P, ठीक है, CH4CL MNPQ, ठीक है। और हमें क्या पता है फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनके लिए क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है N+P+Q, इट इज़ इक्वल टू 2M+2। अगर यहाँ पे आप सारी वैल्यू पुट करें तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, M-1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, M-1, इट विल बी इक्वल टू 2, और यहाँ से M की वैल्यू आ गई 3, उसके बाद N+1 कितना है, N+1 की वैल्यू 9 है, इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो N+1 की वैल्यू कितनी है, 9, तो मतलब N की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और लास्ट में P की वैल्यू कितनी आ गई, 0, P की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर N, M और P की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू आ जाएगी। पुट करते हैं, चलो देख एक करके, N की वैल्यू 8 है, P की वैल्यू 0 है, M की वैल्यू, Q की वैल्यू निकालनी है, M की वैल्यू 2 × 3 + 2, ठीक है, ये 2 × 3 + 2 कितना हो गया, 8, और ये 8 से कैंसिल हो गया, Q हमारा आ गया 0, ठीक है जी। ये मतलब क्या आ गया हमारा, M की वैल्यू 3 आ गई, N की वैल्यू 8 आ गई, P की वैल्यू 0 आ गई, और Q की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, C3H8, ये दोनों तो 0-0 हैं, ना इसमें फ्लोरीन है ना इसमें क्लोरीन है, मतलब ये भी हमारा क्लोरोफ्लोरो रेफ्रिजरेंट नहीं है, ये क्या है, प्रोपेन का फॉर्मूला है, डायरेक्ट हमें दिख रहा है, ये क्या है, प्रोपेन का फॉर्मूला है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आपका आंसर था, वैसे आंसर हमने देख ही लिया है, हमने थोड़ा डिस्कशन कर लिया था, ठीक है जी। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, गेट के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे VARS, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।